चाहूंगा कि उनके साथ मुझे काम करें। तो सवाल से ये पूछ रहा हूँ कि नीरव कौन है, इसलिए आप ये जरूरी है। सबसे पहला नाम किसका है? कौन है नीरव सर? कैमरे में बोलिए सामने बिल्कुल। ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, एक चरित्र है, चरित्र है। नीरव कोई है ये जो करेक्टर हमने नीरव की लव स्टोरी में किया था, वो करेक्टर से विख्यात हुआ था कि नीरव को व्यक्ति है जिससे लोगों ने एक दूसरे को बुलाने लगे, ए नीरव धारा, ए नीरव धारा। गाँव गाँव में वो जो लोगों का प्यार नीरव एक ऐसा ब्रांड बन के आज पूरे इंडिया में जो है और जनता जानती है क्या है सही क्या है। बेसिकली भैया हुआ क्या कि गणेश लाल जी और गायक हैं, दो तीन फिल्मों उन्होंने विदाउट निरहुआ सिंबल के भी किया। जब हमने गाना लिखा तो वो वीरेंद्र चौहान निरहु को मैंने निरहु बनाया। अच्छा। और ये पूरा भोजपुरिया समाज जानता है कि असली निरहु वीरेंद्र चौहान निरहु, क्योंकि आज भी लोग कैसेट आते हैं, सीडी जाते हैं, पिक्चर आती है, जब निरहु नाम से तो एक बार उनके जहन में आती है बात कि यार असली निरहुआ कहाँ गया। ये बात पूरे भोजपुरिया समाज जानता है कि असली निरहु कौन है और वीरेंद्र चौहान को लोग ढूंढते हैं। और दिनेश जी हमको लगता है कि 3 या 4 फिल्मों के बाद निरहुआ रिक्शा वाला लेके आए, तब से अपना नाम उन्होंने दिनेश लाल निरहुआ रख लिया। तो कोई पेटेंट नहीं मांगते, कोई चार्ज नहीं मांगा उनसे आपका कैरेक्टर यूज किए तो? हाँ बिल्कुल, लेकिन नाम है जैसे राम भगवान का भी नाम लोग रख लेते हैं तो नाम का कोई पेटेंट राम है जैसे रामचंद्र, तो नाम कोई भी रख लेता है। लेकिन अभी नाम इतना पावर में था, इतना जोश में था कि इनके नाम को मतलब अपने पीछे लगाने की उनकी आवश्यकता पड़ी। सही बात है। तो ये कम नहीं है किया हूँ और हम लोगों ने जो काम किया है, मैं दावा करता हूँ कि हम लोग सक्सेस होंगे और फिर से असली निरहुआ पूरे भोजपुरी समाज के सामने आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया का मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। और आपसे तो मेरा पुराना नाता ही है, मेरी अपनी भी फिल्म आ रही है ब्रीड जो ट्रांसजेंडर बेस्ड मूवी है। और भोजपुरी ऐसा मेरे लिए कोई पुरानी बात नहीं है, मैंने भी 2 फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, गोबर सिंह और देश में लौटला परदेसी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। भोजपुरी कोई छोटी फिल्में नहीं होती हैं, फिल्में सेम होती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो एक समाज के अंदर जब कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हमारा उद्देश्य होता है बड़ा साफ सुथरा क्लीन हो। और इन्होंने आज इनके मुहूर्त पे जब मैं खुद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी ब्लेसिंग आपके साथ में है, ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। और वीरेंद्र चौहान जी निरहुआ, तो ये फिल्म बस इनके लिए मील का पत्थर साबित हो, तो ये क्या चाहूँगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक्चुअली मेरा ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है समाज के लिए भी और खुद को लेके भी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कोई आज की डेट के अंदर अब ये कॉमन हो गया है, कोई ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है कि हम जेंडर से ही क्वेश्चन मार्क लगा दे कि भैया इसका तो ये जेंडर है तो ये कोई काम नहीं कर सकता तो इसको एक साइड में रखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी काबिलियत से आप सब कुछ बदल सकते हैं, एक जो नॉर्मल इंसान है वो भी वही काम कर सकता है, और जिसको आप जेंडर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो तो बहुत कुछ कर सकता है अगर उनको सब चीजें मिल जाए। और आज के जमाने में ट्रांसजेंडर मीडिया में भी है, न्यूज़ रीडर है, ट्रांसजेंडर साउथ में कर रहे हैं, हर जगह देखिए आप कहां नहीं है, पॉलिटिकल्स में है और डॉक्टर है, टीचर है, और अभी तो मीडिया में भी है, मीडिया में भी बहुत सारे। तो क्या हुआ, तो कोई मेरे लिए तो ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात। मैं एक पर्सनालिटी होने के बाद में, एक वुमेन पर्सनालिटी होने के बाद में जब मैंने ब्रीड ट्रांसजेंडर मूवी को एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाया तो आप सोच के देख ली कि मैंने क्या कर दिया, और जब ये सामने पर्दे पे आएगी तो कहानी कुछ और होगी। और ये फिल्म मैं इसलिए कहना कि ये चीज एक आम आदमी जो चाहता है कि जब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ये हमारे अंदर पेशेंट ताकत और धैर्य रहिए और हमेशा साफ सुथरे ढंग से कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो दिल से बनाइए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके बनाइए। और मेरी तरफ से इनको बहुत सारी खुशियां कि ये इस फिल्म के बाद में मुड़ के आ गए, बहुत बढ़िया। रीड में अभी इनका चांस है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये गाना गा रही है, एक एल्बम से है। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, भोजपुरी फिल्म का ये मुहूर्त हुआ है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर मूवी में बहुत मेहनत और बहुत लगन लगती है, सब लोगों का बहुत मेहनत रहता है, और ऑल द बेस्ट सबको, इस पूरी यूनिट को, आपको। एंड मैं चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा हिट हो आपके लिए, आप सबके मार्गदर्शन बने इस मूवी के जरिए,
मैडम लाउडली आवाज आती है। और सर के बारे में क्या कहना है? भोजपुरी फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, यामी के साथ बीट के ऐड की है, पंजाबी एमी विद मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय हर जगह होता है। आप ऐसे करते हो कि भोजपुरी बहुत वल्गर होता है, घर वाले ये देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब इंसान की मेंटालिटी होती है, टेक्निकल के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उससे ज्यादा डिपेंड होता है। तो मैं जरूर कहना चाहूँगी कोई भी इंडस्ट्री छोटी बड़ी अब एक जैसी है, अभिनय हर जगह होता है, मराठी में भी होता है, हिंदी में भी होता है। डायरेक्टर इतनी चाहूँगी जब ये फिल्म रिलीज हो आप सभी लोग देख लीजिए। बनाम बाजीगर मुझे इस मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे और उन्हें बहुत नया मसाला मिलेगा और सबको आई थिंक ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं हमारी हमारी रियल लाइफ इम्पोर्टेंट थी। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक बहुत ज़्यादा इस मूवी को इंजॉय करेंगे। और खुद क्या करते हैं आपने पहले से? मैं एक्चुअली वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ बट मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ। टैलेंट स्ट्रीम्स इंस्टीट्यूट से मैंने प्रोफेशनली डांस सीखा हुआ है और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज ए आर्टिस्ट मूवी के लिए। और मैं एक जो हीरो है उनकी एक उनकी जो वाइफ है उनकी फ्रेंड का प्ले कर रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता मसाला है। तो मुझे अपना रोल बहुत अच्छा लगा इसलिए हालांकि तो इसलिए मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। आउटफिट भी तो फैशनेबल है, क्या कहना चाहेंगे जो आउटफिट पहनी है आपने? ये आउटफिट एक्चुअली मेरी रूममेट है जो 82 इयर्स ओल्ड है और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। बहुत सारी मूवीज उन्होंने बाजीगर बहुत सारी मूवीज उन्होंने की है तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि यही आउटफिट तुम पहन कर जाओ। तो नाम वीतिका है और मैं इस मूवी के बारे में कहना चाहूँगी कि ये मेरा भोजपुरी पहला प्रोजेक्ट है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही हिट होगी और मुझे लग रहा है इसके जरिए मैं भोजपुरी में अपना पहला कदम रखूँगी। तो कहाँ की रहने वाली? मेरा इसमें करेक्टर जो लीड में हीरोइन है उसकी फ्रेंड का करेक्टर है मेरा। और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है, जैसे कि अभी और भी आर्टिस्ट ने बताया, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे निरहुआ वरना बाजीगर। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये इसमें कोई वर्गर सीन नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इसको फैमिली भी देख सकती है, हर कोई देख सकता है, साथ में सब लोग देख सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी। और इससे पहले कोई भोजपुरी प्रोजेक्ट ये मेरा पहला है, बाकी मैं हिंदी सीरियल में साइड करेक्टर कर चुकी हूँ। अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम? मैं चांदी सिंह अपने सारे फैंस को नमस्ते कहती हूँ। और अभी तक हमारे सारे एल्बम को जैसे हमारे फैंस लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया कि आज हमें मूवी मिल रही है, ये बैक टू बैक मैं मूवी कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि एल्बम से ही हम मूवी तक हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स। इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका टाइटल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, नीरव सर जी के साथ ये फिल्म चल रही है और अच्छा लग रहा है। उनसे मिल के फर्स्ट मुलाकात हमारी उनसे रही है तो उनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी मूवी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? कुछ और बताएं, कोई और फिल्म आप कर रही हैं? हमारी फर्स्ट मूवी चल रही है, मैं नागिन तू सफीर कल्लू जी के साथ, ये हमारी सेकेंड है और भी आने वाले हैं जो आप लोग को बहुत जल्दी पता चलेगी। इस फिल्म में हैं आप? यस। किस तरह का किरदार है थोड़ा? इसमें भी मैं मेन लीड पे ही हूँ और गाँव की लड़की, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है। अच्छा, एल्बम आप काफी कर चुकी है? एल्बम में हमने किया है, खेसारी जी के साथ हमारी स्टार्टिंग हुई है, खेसारी सर के साथ बहुत हिट रहा है, उनके साथ हमारे काफी सॉन्ग बहुत ही हिट रहे और कल्लू जी के साथ की हूँ बस। तो उनके साथ सॉन्ग्स किए हैं कि फिल्में भी किए हैं? नहीं नहीं, हम अभी एल्बम ही की हूँ उनके साथ, देन अभी कल्लू जी के साथ चल रहा है वो। कौन कौन से एल्बम आपके? एल्बम हमारे बहुत सब हिट एल्बम रहे, जैसे जिससे मुझे हमारे सारे फैंस लोग जानते हैं वो हिट रहे छोई छोई, खेसारी जी के साथ और कल्लू जी के साथ, छठ रहा, धनिया बतानी, ब्लाउज रेडीमेड, बहुत सारे रहे।